Hello everyone, once again myself Jaya Vyas heartily welcomes you on my channel. Our today's topic is from class 6. This is the third chapter of the book Tarot's Reward. As we know that we must come to know about difficult word before starting the topic, let's start. Chopped means cut into pieces, tukde karna, chote chote tukde karna. Whistle means sound or signal, सीटी बजाना, किसी को सिग्नल देने के लिए जब सीटी बजाई जाती है. Expensive, costly or high priced, यानी महंगा. Waterfall, cascade या outpouring. Curved, scooped or hollow. Delicious, यानी tasty या mouth watering. Pitcher means jar. Next, shivering means ट्रम्बल और शडर यानी कांपना. प्रोसीजन मीन्स होता है मार्च या परेड. इंटेंडेड प्लांट और डेलिब्रेट. मटरिंग मीन्स विस्परिंग या मॉम्बलिंग, गुनगुनाते हुए गाना वगैरह गुनगुनाते हैं, कुछ बोलते हैं. डिसअपॉइंटेड मीन्स अपसेट और सैडन्ड यानी निराश. एम्परर मीन्स रूलर और मोनार्क, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सम्राट. इंक्रेज मीन्स चीयर और इंस्पायर यानी प्रोत्साहित करना, किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस चैप्टर इज अबाउट अ वुड कटर. ये लकड़हारे के बारे में एक पार्ट है. अ यंग वुड कटर नेम टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक एकांत हिल साइड पर, पहाड़ी पर वो रहता था अपने पेरेंट्स के साथ. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. हालांकि वो बहुत मेहनत करता था लेकिन बहुत कम पैसे कमाता था. दिस मेड हिम सैड. ये बात उसको बहुत ही दुखी करती थी, इतनी मेहनत करने के बावजूद वो बहुत कम पैसे कमाता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और वो दुखी इसलिए होता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को सब चीज़ें देना चाहता था आवश्यकता की. वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी हट में झोपड़ी में बैठा था, तभी बहुत तेज हवा का झोंका आया. तेज हवा बहने लगी. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. और इतनी तेज हवा थी कि वो उस झोपड़ी की क्रैक्स जो थी उसके अंदर जब आ रही थी, उसे टकरा रही थी क्रैक से, तो उसकी सीटी बन सीधी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, सीटी के जैसी. और उन सबको बहुत ही ठंड महसूस हुई. सडनली टारोज़ फादर सैड. अचानक उसके फादर ने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो उसने विश किया कि काश ऐसा होता कि मेरे पास एक कप सेक होता, ताकि मैं अपने आप को भी, मुझे भी थोड़ी हीट मिलती, गर्म होता, और मेरे मन को भी थोड़ी गर्माहट मिलती. दिस मेड टारो सैडर देन एवर. और इस बात ने टारो को हमेशा से ज़्यादा दुखी किया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि उसको पता था कि हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक था जिसका नाम सेक था, वो बहुत ही महंगा था और टारो अफोर्ड नहीं कर सकता था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. अब उसने खुद से पूछा कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ ताकि अपने फादर को वो सेक दे सकूँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. और उसने और ज़्यादा मेहनत करने की सोची. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. हमेशा की तुलना में उस दिन ज़्यादा जल्दी जगा और सीधा जंगल की ओर चला गया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ होता रहा, तब तक वो लकड़ियाँ काटता रहा और उनके टुकड़े करता रहा. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और ये मेहनत करते करते उसको इतनी गर्मी लगने लगी, उसे अपना जैकेट खोलना पड़ा. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. उसका मुँह सूख गया था और उसके चेहरे पर खूब पसीना आ गया था. माय पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. उसने सोचा, अभी मुझे जितनी गर्माहट मिल रही है, काश मेरे बूढ़े पिताजी को भी इतनी गर्माहट मिल जाए.
एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और ये सोचकर उसने और ज़्यादा फास्ट चॉपिंग करना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ये सोचते हुए ज़्यादा ज़्यादा वो फास्ट कर रहा था काम, ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके और अपने बूढ़े पिताजी को उनकी हड्डियों को गर्माहट देने के लिए वो सेक खरीद सके। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग। अचानक से टारो ने वो चॉपिंग का काम, लकड़ी काटने का काम रोक दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। टारो सॉ, क्या साउंड उसने सुना था। टारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। टारो ने देखा एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा झरना, देखा उसने उस चट्टान के पीछे। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, उसने देखा कि वहाँ एकदम शांति से पानी उस झरने से बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने अपने हाथों का कप बनाया, उसमें उस पानी को लिया और अपने होठों तक वो लाया। वॉट इज वॉट, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट सेक, या फिर ये सेक था जो उसके पिताजी चाहते थे। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसे बार बार उसको टेस्ट किया, चखा। ऑलवेज इट वॉज द डिलिशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी की तुलना में और जितनी बार वो चखता गया उसका टेस्ट उसको और ज़्यादा डिलिशियस लगता गया। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टारो ने अपने साथ में जो पिचर जो लेकर आया था पानी पीने के लिए, उसके अंदर उसने तुरंत ही उसको भरा और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, उसके बूढ़े पिताजी उस सेक से बहुत खुश हुए। आफ्टर ओनली वन स्वालो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। एक घूंट पीते ही उनकी कंपकपाहट रुक गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उस छोटे से घर के छोटे से फर्श पर वो नाचने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी दोपहर को एक पड़ोसी उनके वहाँ जाते जाते मिलने आया। चारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, टारो के पिता ने उसको भी वो सेक एक कप सेक उसको ऑफर किया। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडीली, उस महिला ने उसको बहुत ही खुशी से लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसका उसको धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर टारो ने वो सारी कहानी उसको वाटरफॉल की सुना दी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, वो महिला उस कहानी को सुनते ही उनको धन्यवाद देते हुए बहुत ही जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होते होते तो ये कहानी उसने पूरे गाँव में फैला दी। दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, शाम को सभी गांव वालों का जो प्रोसेसन था, पूरा जुलूस का जुलूस उसके घर के पास में आ गया। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, जिस किसी ने भी ये कहानी सुनी वो उस सेक का एक घूंट पीना चाहता था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक घंटे के अंदर अंदर वो पिक्चर खाली हो गया, सबको पिलाया तो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, टारो ने जितने जब प्रतिदिन की तुलना में उस दिन बहुत जल्दी काम शुरू किया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, अपने साथ में जितना बड़ा उसके पास में बड़े से बड़ा जो पिक्चर जार था उस सबसे बड़े जार को वो अपने साथ ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू वाटरफॉल, क्योंकि उसका इरादा था कि सबसे पहले उस वाटरफॉल पे जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सारे पड़ोसी जो उसके घर पे घूंट पीने के लिए आए थे वो सब वहाँ पर पहले से ही थे। देवर कैरिंग पिचर्स जार्स बकेट्स, सबके पास में किसी के पास पिक्चर थे, किसी के पास जार था, किसी के पास बकेट था। एनी थिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, हर वो उस तरह के बर्तन लेके आए जिसमें वो उस मैजिक सेक को लेकर जाते। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और आके एक गांव वाले ने
वो झुका और उसने अपने मुंह को ही उस वाटरफॉल की तरफ कर लिया ताकि वो उस वाटरफॉल से सीधा ही पानी पी सके। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है ये। अदर्स ऑल्सो ट्राई, बाकी सब ने भी ट्राई किया, बट देर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। किसी को भी उस सेक का स्वाद नहीं आया, सबके लिए वो केवल पानी ही था। वी हैव बीन ट्रेक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, अब सारे गांव वाले चिल्लाने लगे कि हमारे साथ उसने चाल चली है। वेयर इज टारो, लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, टारो कहाँ है, उसको उस वाटरफॉल के अंदर ही डुबा देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन इससे पहले कि उसको उस झरने के अंदर गांव वाले डाल देते, वो वहाँ से जाकर एक चट्टान के पीछे छुप गया था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो किसी को भी नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अपने एंगर और अपने निराशा को मटरिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके सारे गांव वाले वहाँ से चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब टारो अपने छुपने के स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसको भी आश्चर्य हुआ कि क्या ये गांव वाले जो कह रहे वो सच है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो सेक कल मुझे मिला वो मेरा सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने अपने हाथों में उस लिक्विड का थोड़ा सा भाग लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास लेके गया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, उसको उसी सेक का टेस्ट आ रहा था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलिशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, केवल तारो के लिए ये मैजिकल सेक था, बाकी सब गांव वालों के लिए केवल ठंडा पानी था। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच्ड द एम्परर ऑफ जापान, ये उसकी टारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी जापान के एम्परर के पास गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उसको बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना दयालु और इतना अच्छा बनने के लिए उसको कम से कम 20 गोल्ड के सिक्के उसको रिवॉर्ड दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और फिर उस सिटी के जो उस झरने का नाम भी था उस टारो के नाम पे उसका नामकरण किया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इंक्रीज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और एम्परर ने सभी लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो भी टारो की तरह अपने पेरेंट्स को ऑनर करें, उनको ओबे करें। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।